भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद कर मुलाकात की, साथ ही क्षेत्र की जन समस्याओं को भी सुना। ये जनसंवाद पूर्व चेयरमैन पवन चौहान के कार्यालय में हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने उन्हें ट्रांसपोर्ट कारोबार में आ रही जन समस्याओं से बारे में बताया, जिससे नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चौपट होता जा रहा है। दीपेंद्र कोश्यारी ने उत्तराखंड डीजीपी से मिलकर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी पार्टी का हमेशा से एक मकसद रहा है, समर्पण, सेवा और किस तरीके से प्रगति और विकास की ओर अपने राज्य को बढ़ाया जाए। तो उसी तरीके से चूंकि हम एक जनसेवक हैं, जनता के बीच में रहना रहता है लगातार, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि जितना जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याएं जान पाए, जनता का दुख जान पाए। और समय समय पे मेरा लालकुआं तो घूमना रहता ही है, मैं प्रदेश स्तर पर भी कई जगह घूमता रहता हूँ। तो अपना मकसद ये रहता है कि किस प्रकार से अगर मेरे द्वारा किसी की मदद करी जाए। वैसे हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा इतना बढ़िया कार्य किया जा रहा है। देखिए, जन सेवा करना अगर राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप में आप सामने आते हैं और राजनीतिक रूप से सामने आते हैं, तो जन सेवा करना सबका परम उद्देश्य होना चाहिए। मौके पर आकर के अपना काम निकालने के लिए लोग आए तो वो ठीक नहीं। मैं इसीलिए अच्छा मानता हूँ दीप कोश्यारी जी को कि वो लोगों में एक साधारण रूप में जाते हैं और साधारण रूप में जाकर के बात करते हैं। मेरे को लगता है अच्छा कि गरीब की सुन करके वैसी बातें करना और उनका फिर समाधान करना। मैंने कई बार सुना है दीप कोश्यारी जी ने अच्छी लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए अच्छा लगा। और मैंने भी कहा आइए हमारे यहाँ चाय पीजिए, तो आज वो आए हैं, उनका धन्यवाद है।